6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी विध्वंस हुआ था। 31 साल पहले इस विध्वंस को कवर करने वाले एक पत्रकार ने इस विध्वंस से एक दिन पहले इसकी रिहर्सल को भी अपनी आंखों से देखा था। शायद आप चौंक गए होंगे, लेकिन अगर पत्रकार प्रवीण जैन की माने तो ये 100% सच है। जैन का अनुभव कुछ साल पहले अल जजीरा में छपा था और आज हम उनके दिए इंटरव्यू का हिंदी तर्जुमा आपको बता रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें। प्रवीण जैन 1987 में द पायनियर अखबार से जुड़े थे। वे कुछ वर्षों से अयोध्या आंदोलन को कवर कर रहे थे। दिसंबर 1992 से पहले वे 2-3 बार अयोध्या जा चुके थे। 6 दिसंबर से पहले भी उनके एडिटर विनोद मेहता ने उन्हें अयोध्या जाने को कहा, जिसके बाद 4 दिसंबर को वह अयोध्या पहुंच गए थे। लेकिन 5 दिसंबर को ही उन्हें एहसास हो गया था कि बाबरी मस्जिद गिराई जाने वाली है। अयोध्या में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जैन ने VSP नेता अशोक सिंघल से संगठन की योजनाओं के बारे में सवाल किया था। जैन ने बताया था कि उत्तर में तब सिंघल सिर्फ मुस्कुरा दिए थे और कहा था, इंतज़ार करो और देखो। जैन ने बताया था कि 5 दिसंबर को VSP ने बाबरी मस्जिद के पास एक रिहर्सल भी की थी। यहाँ पर किसी भी मीडिया को जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन जैन अकेले ऐसे पत्रकार थे जो वहाँ मौजूद थे। VSP के एक दूसरे नेता BL शर्मा उनके मित्र थे। उन्होंने 5 दिसंबर की सुबह जैन को मिलने के लिए कहा और वादा किया कि वह उन्हें कुछ दिलचस्प दिखाएंगे। वह वक्त आया। जैन जब वहाँ पहुँचे तो शर्मा ने उन्हें VSP का पहचान पत्र दिया। यह पहचान पत्र उस जगह तक जाने के लिए था जहाँ कुछ देर बाद बाबरी मस्जिद गिराने की रिहर्सल होनी थी। जैन से कहा गया था कि वह स्थल पर खुद को VSP फोटोग्राफर के रूप में पेश करें। फिर शर्मा जैन को रिहर्सल दिखाने के लिए ले गए और वहीं पर जैन ने रिहर्सल की तस्वीरें खींची। यही वह क्षण था जब प्रवीण जैन जान चुके थे कि बाबरी मस्जिद को गिराया जाने वाला है। जैन ने रिहर्सल के दौरान शर्मा के बगल में खड़े होकर खुलकर तस्वीरें क्लिक की। तब किसी ने भी उन पर भौहें नहीं उठाई थी, क्योंकि BL शर्मा उनके बगल में थे। विध्वंस की तैयारी किस लेवल पर थी, इसे देखकर प्रवीण जैन हैरान रह गए थे। प्रवीण जैन और अयोध्या में ठहरे ज्यादातर पत्रकार शान-ए-अवध होटल में रुके थे। उस शाम जब वे रिहर्सल से लौटे तो उन्होंने वहां मौजूद सभी पत्रकारों को बताया कि वह क्या देखकर आ रहे हैं और VSP ने किस तरह की योजना तैयार की है, लेकिन तब किसी ने भी उन पर विश्वास नहीं किया था। प्रवीण जैन ने बताया था कि तब मैंने अपने संपादक विनोद मेहता को फोन किया और उन्होंने भी उन पर विश्वास नहीं किया था। आखिर अब प्रवीण जैन और किसे ये बात बताते। अगले ही दिन बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। 6 दिसंबर को जब विध्वंस की वास्तविक तस्वीरें मीडिया कर्मियों ने लेनी शुरू की, VSP वर्कर्स ने उनके कैमरे को तोड़ना शुरू कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि वर्कर्स को सभी सबूत मिटाने के निर्देश दिए गए थे। वे पत्रकारों पर उतना हमला नहीं कर रहे थे जितना फोटोग्राफरों पर कर रहे थे। साथ ही फोटोग्राफरों पर हमला होते देख जैन ने वहां से निकलने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि मैंने अपने सिर को जैकेट से ढक लिया और इस वजह से VSP वर्कर्स मेरे कैमरे नहीं देख पाए। रघु राय और पाब्लो बार्थोलोमियो जैसे नामचीन फोटोग्राफर्स को भी पीटा गया। निशाने पर जैन भी थे, लेकिन वह मानस भवन में जाकर छिप गए थे जहां कई बड़े राजनेता ठहरे हुए थे। जैन ने बताया कि मैंने BJP के शीर्ष नेताओं लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से फोटोग्राफरों पर हो रहे हमलों को रोकने की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। उन्होंने बताया कि फोटोग्राफरों की पिटाई की योजना भी सुनियोजित थी। अपनी जान के डर से पत्रकार अपने होटल की ओर भागे। शहर में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए थे। कारों और घरों को आग के हवाले किया जा रहा था। जैन ने विध्वंस के पूर्वाभ्यास की जो तस्वीरें ली थी वे उस समय द पायनियर अखबार में प्रकाशित नहीं हो पाई थी, लेकिन तोड़फोड़ के बाद वे प्रकाशित हुई। तस्वीरें देखने के बाद कोर्ट में जैन को गवाही के लिए भी बुलाया गया। तब बयानों में शामिल होने के लिए उन्हें कई धमकियां भी मिली। बचाव पक्ष के वकील उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करते। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि बचाव पक्ष के वकील उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए कोर्ट में उन्हें अपमानित करने लगे। उन्होंने इस रवैये की शिकायत जज से भी की।
जैन ने बताया कि उन्होंने करीब एक दशक तक कोर्ट में अपने बयान दिए। जैन ने बताया कि जब मुझे गवाही देनी होती तो बचाव पक्ष के वकील जानबूझकर मेरी जिरह को 2 या 3 दिनों के लिए बढ़ा देते थे। वे चाहते थे कि मैं अपने बयान से पलट जाऊं और कह दूं कि मैं 5 दिसंबर को अयोध्या में मौजूद ही नहीं था। उन्होंने कहा, लेकिन मेरी तस्वीरें सबूत थी। मेरी तस्वीर ने यह साफ कर दिया था कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि यह पूर्व नियोजित एक साजिश थी। ये तो हुई 6 दिसंबर को हुए बाबरी विध्वंस की बात। अब जानते हैं इसी दिन की दूसरी बड़ी घटनाओं के बारे में। 1945 फिल्म मेकर शेखर कपूर का जन्म हुआ। 1956 भारतीय संविधान निर्माता और देश के पहले कानून मंत्री B.R. अम्बेडकर का निधन हुआ। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत के बाद पाकिस्तान ने आज ही के दिन भारत के साथ अपने राजनयिक संबंध तोड़ दिए थे। 1985 क्रिकेटर R.P. सिंह का जन्म हुआ। 1988 क्रिकेटर रविंद्र जडेजा का जन्म हुआ।